खबर वाला में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैं हूं सैफुल इस्लाम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बॉलीवुड की उस अदाकारा के बारे में बात करेंगे जो आज 57 बरस की होने जा रही। 90 की दहाई में ऐसा कौन सा अदाकार था जो इस अदाकारा के साथ काम करके खुद को सुपरस्टार बनाने की ख्वाहिश ना रखता हो। दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की चंद खूबरू और सदाबहार अदाकाराओं में से सबसे खूबसूरत माधुरी दीक्षित। एक ऐसी अदाकारा जो सबसे ज्यादा यानी 17 मरतबा फिल्म फेयर अवार्ड में नामजदगी हासिल कर चुकी है और उनमें से 6 मरतबा वो ये ट्रॉफी जीत भी चुकी है। 1984 में जब माधुरी दीक्षित सिर्फ 17 बरस की थी तो उन्हें राजश्री प्रोडक्शन के ड्रामा सीरियल बंबई मेरी है में काम करने का मौका मिला। ड्रामे की पायलट किस्त बनाकर दूरदर्शन हुकाम को भेजी गई तो उन्होंने ये कहकर उसे मुस्तरद कर दिया कि ड्रामे की कास्ट दमदार नहीं है। खबर ने माधुरी दीक्षित के अरमानों पर ओस गिरा, लेकिन प्रोडक्शन हाउस को माधुरी दीक्षित की सलाहियतों पर पूरा भरोसा था और इसी साल उन्हें फिल्म अबूद में शामिल किया गया। लेकिन फिल्म के साथ साथ माधुरी दीक्षित भी कोई खास तवज्जो हासिल नहीं कर सकी। इसके बाद माधुरी ने फिल्म आवारा बाप, स्वाति, हिफाजत और उत्तर दक्षिण में काम किया, लेकिन ये फिल्में भी नाकाम रही। फिरोज खान ने जब दयावान में माधुरी दीक्षित को कास्ट किया तो बेशतर तजियाकारों ने उन्हें मशवरा दिया कि वो एक फ्लॉप हीरोइन को इंतखाब करने जा रहे हैं जो उनकी फिल्म को डुबो भी सकती है। लेकिन फिरोज खान को यकीन था कि माधुरी दीक्षित उन्हें मायूस नहीं करेगी। विनोद खन्ना के मुकाबले माधुरी दीक्षित हीरोइन बनी तो उनका किरदार मुख्तसर नौयत का था, लेकिन ये इस कदर पुर असर था कि माधुरी दीक्षित के लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुलते ही चले गए। माधुरी दीक्षित का एक इंटरव्यू में कहना था कि उन्हें जब फिरोज खान ने बताया कि उन्हें विनोद खन्ना के साथ रोमानवी मंजर अक्षबंद कराना है तो वो काफी हिचकिचाहट का शिकार थी, क्योंकि उस दौर में कोई भी हीरोइन इतनी बेबाकी नहीं दिखा सकती। लेकिन उन्होंने हिम्मत करके यह भी कर दिखाया और फिर माधुरी दीक्षित के कैरियर में फिल्म तेजाब ने जैसे सब कुछ बदल कर रख दिया। फिल्म तेजाब का गीत 1-2-3 ने माधुरी को रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस गाने पर माधुरी के रथ ने हर एक को झूमने पर मजबूर कर दिया और फिर माधुरी दीक्षित के उरूज का वो सफर शुरू हुआ जिसने माधुरी को फिल्म की कामयाबी की जमानत बना दिया। ये वो दौर था जब माधुरी दीक्षित के होते हुए फिल्म के हीरो सानवी हैसियत इख्तियार कर जाते थे। इसका अंदाजा यूं लगाया जा सकता है कि फिल्म दिल, बेटा, साजन, खलनायक, हम आपके हैं कौन, राजा और याराना वो फिल्में हैं जिनमें संजय दत्त, सलमान खान, आमिर खान, अनिल कपूर और संजय कपूर हीरोज के होते हुए भी माधुरी दीक्षित छाई रही। फिल्म साज और हिदायतकार सिर्फ और सिर्फ माधुरी दीक्षित को जहन में रखकर कहानियां लिखवाने लगे। माधुरी का मानना था कि अदाकारी तो सभी करते हैं, लेकिन उन्हें वहीदा रहमान और वैजंती माला की तरह रक्स को अपनी कामयाबी का हथियार बनाना चाहिए। इसी बिना पर माधुरी दीक्षित ने रक्स पर खास तवज्जो दी। माधुरी दीक्षित के बेशुमार गानों की कोरियोग्राफर सरोज खान का कहना था कि एक एक स्टेप के लिए माधुरी दीक्षित घंटों मेहनत किया करती थी। कई बार वो खुद थक जाती थी, लेकिन माधुरी दीक्षित जब तक मुतमईन न होती डांस प्रैक्टिस नहीं छोड़ती। माधुरी दीक्षित ने कई फिल्मों में अनिल कपूर के साथ काम किया। अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। एक वक्त था जब बॉलीवुड में यह अफवाहें भी गर्दिश कर रही थी कि माधुरी और अनिल कपूर दोनों इश्क में मुब्तला हो चुके हैं, लेकिन फिर उनका नाम संजय दत्त के साथ जोड़ा गया। यहां तक मशहूर हो गया कि माधुरी दीक्षित और संजय दत्त ने छुपकर शादी कर ली, लेकिन माधुरी दीक्षित ने अपनी तमाम का तवज्जो अदाकारी पर मरकूज रखी और ये बात राज ही रही कि माधुरी ने क्या वाकई संजय दत्त से शादी की थी या नहीं। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित ने कई कामयाब फिल्मों में काम किया। नाजी, हम आपको एक हैरत अंगेज बात बताते चले जिसने उस वक्त तमाम मद्दाहों को और फिल्म इंडस्ट्री को वर्ताई हैरत में डाल दिया जब माधुरी दीक्षित ने 17 अक्टूबर 1999 को अमरीकी नजाद भारतीय डॉक्टर श्री राम माधव नैने से शादी करके फिल्मी दुनिया और मद्दाहों को हैरत में डाल दिया। और फिर उससे ज्यादा हैरत अंगेज खबर ये थी कि माधुरी दीक्षित ने भारत छोड़कर अमरीका में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार की, जहां वो एक तवील अरसे तक रही। भारत आकर वो वफे एक्टर से फिल्मों में काम करती रही, उनमें देवदास, आजा नचले, डेढ़ इश्किया और गुलाब गैंग जैसी नुमाया फिल्में शामिल। इसके बाद माधुरी दीक्षित मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के रियलिटी शोज में मेजबानी करने के साथ साथ उन शोज में जज भी बनी। 2008 में उन्हें भारत के सबसे बड़े सरकारी एजाज पद्मश्री से भी नवाजा गया। अगर माधुरी की प्रोफेशनल और जाती जिंदगी पर नजर डाली जाए तो यकीनन
ये एक आइडियल जिंदगी है, क्योंकि अपने काम के साथ साथ उन्होंने साबित किया कि वो एक अच्छी बीवी और माँ भी है। माधुरी दीक्षित आज अपना 57वां जन्मदिन मना रही है। तो दोस्तों, ये थी माधुरी दीक्षित की जिंदगी की कहानी। वीडियो कैसी लगी कॉमेंट्स जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए खबर वाला के साथ।